बिल्कुल सेम ऐसा ही। ओ भाई कौन है? हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द डेविल स्पीड में। दोस्तों मैं आपका भाई हरीश, आज मैं पहुंच चुका हूं एक ऐसी लोकेशन पे। ये लोकेशन एक जंगल की है। जंगल के अंदर एक पगडंडी, जिसको पुराने टाइम पे पगडंडी कहते थे, ये एक पगडंडी है जो कि जंगल से होते हुए जाती है एक पनगढ़ की तरफ। ये पनगढ़ है जहाँ पे एक लड़की के साथ हादसा हो गया था। कुछ लड़कों ने यहाँ पे एक लड़की के साथ गलत काम करके उसको यहीं मार दिया था। मतलब कुछ लड़के थे, छेड़छाड़ कर रहे थे लड़कियों के साथ, बाकी लड़कियाँ भागी थी। एक लड़की उनके हाथ, मतलब एक उनका लड़की उनके हाथ आ गई थी, वो लड़की भाग नहीं पाई और उन लड़कों ने उस लड़की के साथ गलत काम करके उसको इस पानी में गिरा दिया था जो कि यहाँ पर पनगढ़ है। यहाँ पे कुछ लोग पानी भरने आते थे, पर तब से लेके अब तक यहाँ पे कोई पानी भरने नहीं आता। ये एक हॉन्टेड पनगढ़ बन चुका है। यहाँ पे उस लड़की की आत्मा आज भी दिखाई देती है, कभी पानी ले जाती हुई, कभी घूमती हुई, कभी रोती हुई, कभी चिल्लाती हुई। आज भी वो लड़की यहाँ पे देखी जाती है। दोस्तों पहले भी हम यहाँ पे आ चुके हैं, पहले भी यहाँ पे हमने काफ़ी चीज़ें रिकॉर्ड करी हैं, काफ़ी तरह की एक्टिविटी यहाँ पे रिकॉर्ड हुई है। तो उम्मीद है आज भी हम कुछ ना कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड करके जरूर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जुड़े रहना वीडियो में। जो भाई चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारा इंस्टाग्राम पेज है द डेविल स्पीड ऑफिशियल, फेसबुक पेज है द डेविल स्पीड, जरूर फॉलो करना। बाकी ठंड बहुत है दोस्तों, पीछे बिल्कुल धुंध जैसा कुछ माहौल बना हुआ है, जैसे बादल दिख रहे हो बिल्कुल पास, ऐसा माहौल बना हुआ है। बाकी जुड़े रहना, ठंड बहुत ज़्यादा है। तो आके मैं बैक कैमरा ऑन करता हूँ, मिलते हैं आपको लोकेशन पे, जुड़े रहना। तो बाइक मेरी यहाँ पे लग चुकी है, लोकेशन ये आप देख लो। अभी मैं लाइट थोड़ी आगे जाके फुल करूँगा। तो यहाँ से रास्ता स्टार्ट है, रास्ता वैसे पीछे से भी स्टार्ट है, यहाँ तक बाइक आ सकती थी, इससे आगे बाइक नहीं जाएगी क्योंकि आगे से मैं दिखा दूँगा आपको रास्ता। पहले मैं थोड़ी लाइट फुल कर दूँ इसकी। ये देख लो दोस्तों, ये लोकेशन है भाई। धुंध बहुत ज़्यादा, कैमरे में नज़र नहीं आ रही है पर आंखों से साफ साफ नज़र आ रही है, बिल्कुल साफ। धुंध बहुत ज़्यादा पड़ी है यहाँ पे, कोहरा। कौन है? दोस्तों ये देख लो, यहाँ से इसका रास्ता स्टार्ट है लोकेशन का, और जो पनघट बताया जाता है वो ये है सामने। इसमें पता नहीं, हाँ ये नज़र आ रहा है, फोकस आउट हुआ। तो यहाँ पे ही लड़कियाँ आती थी पानी वगैरह भरने के लिए, लड़कियाँ, औरतें गांव की, यही है वो पनघट। और यहाँ पे ही उस लड़की के साथ यहाँ पे हादसा हुआ था, जिसको यहाँ पे मार के पानी में फेंक दिया था। ये है वो, मैं अभी आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ, पहले मैं थोड़ा एक बार नीचे उतरती हूँ चढ़ाई से। ये देख लो दोस्तों, धुंध पूरी दिख रही है इसमें, अब पूरी साफ साफ नज़र आ रही है। देखो धुंध पूरी साफ नज़र आ रही है भाई। ये देख लो, ये पानी में भी पानी से आवाज़ आई है। पहले दोस्तों यहाँ का एक बार व्यू देख लो, यहाँ पे इस टाइम क्या माहौल है। ये देख लो पूरी धुंध, पूरी साफ साफ कैमरे में नज़र आ रही है। ये देख लो यहाँ से होती हुई और ये इसके अंदर जा रही है। ये देख लो फोकस भी आउट हो रहा है क्योंकि धुंध पड़ रही है। तो दोस्तों अभी मैं कुछ देर यहाँ पे रुकूंगा, बात करने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे कोई है या नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको कहीं पे भी कोई भी चीज़ नज़र आए तो आपने नीचे कमेंट ज़रूर करना है। ये देख लो पानी में से धुंध निकल रही है। अभी मैं थोड़ा आगे जाके भी दिखा देता हूँ आपको, बात करके भी देख लेते हैं अगर यहाँ पर इस टाइम कोई भी चीज़ है। ये उसका किनारा होता था, यहीं पे ही लड़कियां जो मतलब मटके वगैरह भरते हैं लोग पानी के, यहीं से भरती होंगी, यहीं पे। भाई अभी बात करके भी देख लेते हैं दोस्तों, पहले मैं आपको एक बार अच्छी तरह इस लोकेशन का व्यू दिखा दूं। हर तरफ से अब ये दोस्तों यहां पे कोई नहीं आता। अब ये पनघट हॉन्टेड पनगढ़ बन चुका है, यहाँ पे कोई, ओए भाई पता नहीं ये आवाज़ कैमरे में कैप्चर हुई है या नहीं हुई, पर एक हंसने की आवाज़ आई है दोस्तों, बहुत स्लो आवाज़ आई है पर आई है, मेरे को कानों से सुनाई दी है। और इस टाइम यहाँ का जो माहौल है वो ऐसा है जैसे पुरानी फिल्मों में, हॉन्टेड फिल्मों में आपको देखा होगा आपने, बिल्कुल सेम ऐसा ही। ओ भाई कौन है? जो भी है सामने आ जाइए,
मैं यहीं पे खड़ा हूँ, आपको देखने आया हूँ। ओ भाई तो धुंध कुछ ज़्यादा ही हो रही है भाई, कुछ भी कुछ ना, अभी तक इतनी धुंध नहीं थी भाई। ये कैमरे बिल्कुल साफ साफ कैप्चर हो रहा है, अभी तक इतनी धुंध नहीं थी, एकदम से धुंध बिल्कुल दिखना ही बंद हो गया भाई। भाई कौन है भाई? वो सामने कुछ चीज़ है, सामने कोई चीज़ है भाई। ओ भाई कैमरे में कैप्चर नहीं हो रही है क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा है भाई। लाइट फुल कर रहा हूँ, लाइट फुल है। यहाँ पे सामने कोई चीज़ कैप्चर हुई है भाई, वो देखो यहाँ पे मैं रेड, यहाँ पे रेड साड़ी में रेड कपड़ों में कोई चीज़ जा रही है भाई, मेरे को नज़र आ रही है आँखों से। देखिए रुक जाइए वहाँ पे जो भी है भाई, तो मेरे को आंखों से भी नज़र नहीं आ रही। रुक जाइए वहाँ पे जो कोई भी है भाई, भाई 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 वो सामने 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 अब नज़र आई भाई। आउट ऑफ फोकस हुआ ये सामने कोई चीज़ जा रही है, बिल्कुल सामने। रुक जाइए, आउट ऑफ फोकस हुआ ये सामने कोई चीज़ जा रही है, बिल्कुल सामने। रुक जाइए जो कोई भी है, रुक जाइए भाई। ऊपर को कोई चीज़ गई है बिल्कुल सामने आंखों के जो भी है यहाँ पे। मैं आपसे सिर्फ बात करने आया हूँ, आपको देखने आया हूँ, इस जगह पे कुछ देर रुकने आया हूँ, आपको या आपकी जगह को कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ। दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल धुंध नहीं है, ये देख लो आप, बिल्कुल नोट करो यहाँ वहाँ पर कितनी धुंध थी, यहाँ पर बिल्कुल धुंध नहीं है भाई। भाई ये सामने खड़ी मेरी बाइक और वो चीज़ यहीं पर ही आस पास ही ऊपर को आई है। भाई ये बाइक मेरी खड़ी है, भाई यहीं कहीं वो चीज़ कहीं आई है, उसके बाद पता नहीं कहाँ गई। वो सामने पूरा घना जंगल है, वहाँ तो मैं नहीं जाऊँगा दोस्तों, वहाँ पे और भी बहुत खतरे हो सकते हैं। यहीं पे चीज़ आई थी और सामने से एकदम बिल्कुल गायब ही हो गया भाई, बिल्कुल सीधा आई थी वो चीज़, कहीं मुड़ी नहीं, बिल्कुल सामने कैमरे में कैप्चर हुई है भाई। ओ भाई पहले तो कैमरे में भी कैप्चर नहीं होती, मेरे को नज़र आनी भी बंद हो गई थी क्योंकि धुंध इतनी ज़्यादा। दोस्तों नीचे ही दिखा दूँ, ऊपर में और नीचे में कितना फ़र्क है भाई। ओ भाई ओ भाई भाई ओ भाई ओ यार अभी मैं ऊपर से आया हूँ, बिल्कुल साफ चारों तरफ से कैमरा मैंने घुमा के भी दिखाया था, तो अब वहां पे कोई चीज नहीं थी भाई। देखिए रुक जाइए यहाँ पे जो भी चीज है। ओ भाई यहाँ पे जो भी चीज़ है वो, रुक जाइए मैं आपसे सिर्फ बात करने आया हूँ, आपको देखने आया हूँ बिना नुकसान पहुँचाए। अगर आप सामने आ सकते हो भाई, यहीं पे कोई चीज़ आई है, उसके बाद वो फिर से गायब हुई है भाई। एक बार मैं दोबारा यहाँ के बाइक के पास जाके भी दिखा देता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये मैं खड़ा हूँ, चारों तरफ भी देख लो एक बार। ओ भाई एकदम से चीज़ गायब हो रही है, फिर अचानक से चीज़ नज़र आई भाई, पीछे खड़ी हुई। ओ भाई हालत बुरी होगी भाई, एक बार मैं दोबारा नीचे जा रहा हूँ दोस्तों, वहाँ जाके एक बार दोबारा बात करने की कोशिश करते हैं। अब मेरे को नीचे कुछ नज़र नहीं आ रहा, कैमरे में नज़र आ रहा है, आँखों से कुछ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि पूरा वाइट हो रखा है दोस्तों। ये देख लो अभी आपको देख लो, कैमरे में भी बिल्कुल हल्का हल्का नज़र आ रहा है, पूरा वाइट हो गया है ये धुंध से, ये जो भी जगह है बनगढ़ की। ओ भाई आवाज़ आ रही है जैसे कोई पास है,
पर नज़र कोई नहीं आ रहा, अब रास्ता तक नहीं नज़र आ रहा भाई। भाइयों लाइट ये फुल है, धुंध में इतनी धुंध है, मेरे को आंखों से यहाँ पे कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा, फिर भी लाइट फुल होने की वजह से कैमरे में नज़र आ रहा है भाई। देखिए यहाँ पे जो भी कोई चीज़ है, भाई भाई पायल की आवाज़ आई है, पायल की आवाज़ आई है भाई, बिल्कुल पास से पायल की आवाज़ आई है। देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ है भाई, यहाँ का माहौल देखो यार, यहाँ पे खड़ना बहुत मुश्किल है, ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और नज़र मेरे को कुछ नहीं आ रहा है। भाई 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 ये देखो सामने कुछ चीज़ है, सामने कुछ चीज़ है, जैसे ही वहाँ पे थोड़ी धुंध हल्की हुई है सामने कुछ चीज़ है भाई। कौन है यहाँ पे? देखिए अगर आप वही आत्मा हो भाई, भाई मैं पानी के ज़्यादा पास नहीं जाऊँगा क्योंकि पिछली बार इस पानी में से सांप निकला था, इसलिए पानी से थोड़ा दूर ही रहूँगा भाई। यहाँ पे कुछ चीज़ नज़र आई है दोस्तों मेरे को, पता नहीं कैमरे में कैप्चर हुई है या नहीं। आवाज़ आ रही है, ओए देखिए मैं आपसे सिर्फ बात करने आया हूँ, आपको देखने आया हूँ, अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ है जो मुझे देख रही हो या सुन रही हो भाई, भाई आवाज़ आ रही है पानी के उधर से ही, जहाँ मैं था वहीं से आवाज़ आ रही है भाई। भाई पहले यहाँ पे मेरे को चीज़ नज़र आई थी, एक कैमरे में ही पता नहीं आई है नहीं, मैं उसको देखने ऊपर आया था, पर अभी यहाँ पे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, अब आवाज़ आ रही है वहाँ से पानी के पास से। एक बार दोबारा मैं पानी के पास जाके देख लेता हूँ अगर कोई चीज़ कैप्चर हो दोस्तों, अगर कहीं कोई चीज़ दिखे आपको नीचे कम। ओ भाई ये क्या, डर गया, ये दो दो सांड आ रहे हैं, दो तीन सांड आ रहे हैं, थोड़ा इसको रास्ता दे देता हूँ कहीं। भाई दोस्तों ये एक सबूत है कि इस जगह से थोड़ा दूर गांव है, एक गांव है जहाँ की औरतें आती थी पानी। भाई 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 भाई, भाई। ओए, ओए। भाई वो सामने कोई चीज गई है, ओ देख 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 देख, ओ ओ भाई भाई इधर से सांड भैंस, उधर वो चीज खड़ी सामने भाई, लाल वाह कहाँ जाऊँ, भाई अगर मैं इस इनके रास्ते में आया तो ये अटैक कर देंगे पक्का भाई। इसको रास्ता दिखाता हूँ उधर को लाइट करके, इनको रास्ता दिखा देता हूँ, भाई वो सामने कोई चीज़ खड़ी थी वहाँ पे साफ साफ नज़र आई है मेरे को कैमरे में, भाई वहाँ कोई चीज़ कैमरे में आई है साफ साफ, ये तो बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे पीछे भी आ रहे हैं। ऐसे करता हूँ तब तक मैं बात करके देख लेता हूँ अगर कोई चीज़ है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ है, जिस लड़की की यहाँ पे मौत हुई है भाई, अब देखो धुंध एकदम से कम हो गई है भाई, पहले यहाँ का क्या माहौल था और अब यहाँ का क्या माहौल है आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा भाई, पहले यहाँ पे दिखना ही बंद हो गया था भाई। ये देखो पहले भाई, भाई दूर से आवाज़ें आ रही हैं किसी की, एक मिनट को भाई मैं कैमरा यहाँ पे बंद कर रहा हूँ। भाई मैंने अभी कैमरा ऑन कर दिया है दोबारा, वो भैंसें जा रही हैं उधर को, और पीछे से किसी की जैसे कोई भैंसों को भगा रहा हो दूर से, ऐसी आवाज़ आ रही थी किसी इंसान की। तो भाई यहाँ पे लोकेशन पे अब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा भाई, ये देख लो पूरा धुआं धुंध पड़ी हुई है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा कर रहा हूँ दोस्तों मैं इस लोकेशन से बाहर जा रहा हूँ, क्योंकि अगर कुछ नज़र ही नहीं आएगा तो कोई फ़ायदा नहीं दोस्तों यहाँ पर रुकने का। फिर भी अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी नज़र आया हो तो आपने नीचे कमेंट ज़रूर करना है,
ऐसे करता हूँ मैं ये लोकेशन छोड़ रहा हूँ, मिलते हैं आपको लोकेशन के बाहर, जुड़े रहना दोस्तों, ठीक है। तो भाइयों मैं आ चुका हूँ लोकेशन के बाहर। अंदर जब मैं गया वहाँ पे इतनी धुंध नहीं थी, जबकि कैमरा में साफ साफ रिकॉर्ड हुआ है। जब मैं अंदर से मतलब थोड़ी दो मिनट भी रुका हूँ लोकेशन पे, उस टाइम धुंध इतनी ज़्यादा हो गई थी। और ये जो है एक रीज़न हो सकता उस चीज़ का, ज़रूरत से ज़्यादा ठंड हो गई थी। ऊपर जब मैं आया, ऊपर से और नीचे से बहुत ज़्यादा फ़र्क था, ऊपर और नीचे में। लाइट बंद हो रही है, मतलब ऊपर जो था तापमान और नीचे वाले तापमान में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। नीचे बहुत ज़्यादा धुंध थी, दो तीन बार वो चीज़ कैमरे में कैप्चर हुई है। अगर आपको कहीं पे और नज़र आएगी वो चीज़ जहाँ पे मुझे ना पता लगा, नीचे आपने कमेंट ज़रूर करना है, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, नीचे कमेंट ज़रूर करना है दोस्तों, ठीक है, कि वीडियो कैसी लगी आपको, लोकेशन कैसी लगी। लोकेशन पर धुंध बहुत ज़्यादा थी इसलिए मैं ज़्यादा देर वहाँ पर रुका भी नहीं, क्योंकि अगर मैं और रुकता तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा धुंध थी, मेरे को आंखों से नज़र नहीं आ रहा था। मेरे को डर था कहीं मैं गलती से पानी में पैर ना डाल दूँ, कहीं मैं पानी में गिर ना जाऊँ, क्योंकि कैमरे में तो रास्ता थोड़ा बहुत नज़र आ रहा था, आंखों से बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था। फिर भी मैंने काफ़ी देर वहाँ पे रुका हूँ दोस्तों। वीडियो कैसी लगी नीचे ज़रूर कमेंट करना, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपको अगली किसी हॉन्टेड लोकेशन पे, तब तक देखते रहो। डेविल स्पिरिट, गुड नाइट, राम राम, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।